कदाचित् कालन्दे तट विपिन संगीतकरव मुदाभिनारी वदन कमला स्वादमधुप इंद्र शंभु ब्रह्मा गणपति रमा चित पद वंदे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर चरण तले अनंत कोटि प्रणिपात जनाई आरंभ करिबा को जाउछु आजिर भक्ति कथा। से लीलामय, से सर्वव्यापी, से चिरंतन, से पुणि सत्य, से पुणि परम ब्रह्म, से पुणि अकृतकर्ता, से पुणि अदृष्ट द्रष्टा, से पुणि सर्वमान सगोचर श्री जगन्नाथ, से जगतर बंधु जगतर नाथ जगन्नाथ, कोटि कैवल्यनाथ, कोटि विश्वर नाथ, ए सचराचर पृथ्वीर नाथ। सी तांकर लीला अति अद्भुत, अति अगोचर। जा माया देवे अगोचर, तांकर माया तांकर लीला समग्र देव समाज को अगोचर, काहू पाइब नरछार। महाप्रभु केतेबेले कहाँ पाई क्यों लीला करती, कहाँ को तारीबा पाई तो कहाँ को मारिया पाई विभिन्न प्रकार लीला करती। मदभक्तं विनोदार्थे करोमि विविध क्रिया, भक्तमानंकर विनोदन पाई, भक्तमानंकर खुशी पाई से विभिन्न प्रकार लीला करी पारंती। जहार उदाहरण कोलीरे स्वयं श्रीक्षेत्र रे विराजमान प्रभु मानवीय लीला आचरण करती। प्रत्येक दिन बारह मास तेर पर्व पालन करा जाए, केवल भक्त मानकर चित्त विनोदन पाई, भक्त मानकर खुशी पाई। एठी केते बेले महाप्रभु गजानन वेश होंती तो केते बेले राम वेश होंती, केते बेले कालिया दलन होंती तो केते बेले कुंभ वेश होंती, गिरी गोवर्धन धारण करंती। तबे ई लीला पछरे सबुठारु श्रेष्ठ लीला होची महाप्रभुंकर श्री घोष यात्रा, पवित्र गुंडीचा यात्रा। नवदिन व्यापी ये यात्रा हुए, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया ठारु यही पर्व आरंभ हुए। किंतु यार पूर्वरु ओडियार नववर्ष आरंभरु बैशाख प्रथम पूर्णिमा रे, बैशाख प्रथम पूर्णिमा रे चंदन जात हुए। महाप्रभु गरम रु उपशम पाया पाई चंदन बोली होंती, चाप खेलती नरेन्द्र सरोवर रे। आपरे आसे ज्येष्ठ रे स्नान, स्वयं दारुहूत मुरारी पूर्ण ब्रह्म स्नान मंडप को आसी पवित्र 108 गरा सुना कूर पाणी आनी स्नान करती। आ स्नान परे महाप्रभु ज्वर से पीड़ित हो जाती। आपरे भक्त मानकर दर्शन बंद हो जाए, अलारनाथ पाखे दर्शन दिंती, अलारनाथ रूप से दर्शन दिंती ब्रह्मगिरी ठार। ये 15 दिन जो नीति महाप्रभुंकर अणसर नीति बोली कह जाए। ये अणसर नीति पछरे कारण कौन, कहा पाई भगवान अणसर नीति आर प्रणयन कले, तबे आसंतु दर्शक बंधु शुणा आम विरजा कृपा साहित्य परिवार प्रख्यात गवेषक संग्राहक तथा ओडिशार प्रतिष्ठित ऐतिहासिक लेखक श्रीजुक्त अर्जुनी चरण बेहरा महोदय रचनारु संग्रहरु आम शुणा ए अणसर नीति, जहाँ अतीब अलौकिक अतीब गहन कथा, यह पछरे कि किंवदंती अच्छी आम शुणा ए अणसर नीति उपर। कहीं महाप्रभुंकर अणसर नीति पालन करा जाए, और ये सुंदर कथा को नहीं मुण मान पाक भेटी दूची आपण मानकर प्रिय उपस्थापक बैद्यनाथ पंडा। तेज आसतु दर्शक बंधु शुणा से अर्जुनी चरण बेहरा महोदय रचनारु महाप्रभुंकर अणसर नीति कहीं पालन करा जाए। समस्त कहते अणसर, किए कहे अनवसर, जहाँकि समग्र ओडिशा रे सेते बेले लोकमुखरे प्रचारित तो हुए, गुंजारित तो हुए, महाप्रभु वर्तमान अणसर घर अच्छा से प्रचंड गोलुगोली हो। तेरे अणसर पचरे कारण कौन, से सुंदर कारण को आपण मान पाखे खोलीदेपी नहीं आमर ऐतिहासिक लेखक गवेषक श्री अर्जुनी चरण बेहरा महोदय। तेरे आसतु दर्शक बंधु शुणा आज कहानी कहीं महाप्रभुंकर ये अणसर जात्रा हुए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ प्रत्यक्ष सान्निध्य लाभ कर, प्रत्येक कृपावारी लाभ कर, बहुत भक्त मानकर कहानी से मानकर इतिहास एवं उपाख्यान आम शुणी। सालबेग कहतु, दीनकृष्ण कहतु,
रघुअरखित कुंतु संत तुलसीदास कुंतु कबीर दास कुंतु जिते भक्त अच्छा महाप्रभु समस्त कहानी उपाख्यान आम किंबदंती शुणी किंतु एमती जन भक्त अच्छा थिले पुरी फलाहारी मठर महंत श्रीजुक्त माधव दास महोदय ये माधव दास भगवान अति प्रिय थिले भक्त थिले से केवल फलाहार करुथिले फलाहारी मठर महंत थिले एक सौ वर्ष पर्यंत से सुस्थ थिले महाप्रभु गुणगान करुथिले महाप्रभु सेवा करुथिले महाप्रभु पाखरे निजको समर्पण कर देथिले महाप्रभु मोटामोटी कहिबाकु गले महाप्रभु चरणाश्रित से थिले महाप्रभु प्रत्यक्ष कृपावारी तांको उपरे थिला एक सौ वर्ष शेष हवा परे माधव दास अतिसार रोग से पीड़ित हले रोगर उपशम कौन सी प्रकार हो पारानी ए रोग व्याधि शरीर को आस्ते आस्ते मृत्यु फास बांधा लगला ये रोग मृत्यु फास पकेवा को लगला किंतु किंतु से भगवान जगन्नाथ के आशा तुटी न था सब भगवान पाखे आर्तचित्कार कर प्रभु मत आपण को सानिध्य प्रदान करूँ ये रोग मो भयावह रोग मो शरीर हटि जाऊ मत पुणी सुस्थ कर दिंतु मुं मान सेवा करी आपण मान गुणगान करी किंतु विपरीत हो ए अतिसार रोग दिनक दिन ए व्याधि एत कबलित करने को लगला जहाँकि मृत्यु फास धीरे धीरे बांधी गले कहीं आ मठ में विश्वास कर महंत महाराज बंचे बोली जीवन शेष समय रे से हरिरस को आस्वादन करुथांति मन भितर प्रबल विश्वास थाए भक्ति थाए दिन जगन्नाथ महाप्रभु निश्चय मत मो रोग उपशम करेंगे और मत भल करे यार महाप्रभु भक्तर दुख भक्तर करुण चित्कार महाप्रभु कान में बाजिला महाप्रभु साक्षात कला धला दुईटी बाड़क हो जड़े गोरा आ कला बाड़क हो आसी महंत सेवा माधव दास रोग धीरे 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 उपशम होगा लगला एवं महंत माधव दास जापारे ये कई नुंती ये स्वयं नीलाद्रीनाथ जगन्नाथ मो प्राणर ठाकुर मो हृदय देवता मोर आर्तचित्कार शुणी मो पाख आरो सेवा शुश्रूषा करने भक्त चिन्ह पारे भगवान को जापारे भगवान को शेषे काकुति मिनती है हाथ जोड़ी नतमस्त हो कहे प्रभु कहीं आगे ये छलना मु आपण को जा सारे आपण मो परम ब्रह्म व्यतीत मो जगन्नाथ व्यतीत आप कई नुंती दयाक आपण मत ये रोग रु शीघ्र भल कर दिंतु प्रभु हसीदे कहे ना रे जी जहा भोगवाक आसी जहाँ हवार अच्छी ता निश्चित हो आम से तुम के बंद करूनि भवितव्य जहाँ अवश्य घटव के ताहा कर ज्योतिष चक्रगति रोधवाक ये किए बा बलवान ये कहीं बलवान नुंति जहाँ हवार थी जहाँ ललाटे जहाँ कपाड़ लेखाही तुम हम आमे केवल किंचित मात्र उपशम कर दे पार आम तुम रोग को भोग कर दे पार कि तुमको संपूर्ण भाव सुस्थ कर माधव दास रोग को भोग कले स्वयं जगन्नाथ धीरे 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 माधव दास स्वास्थ्य उन्नति हवा को लगला भल हो गले पूरा भल हो गला दिने बाहर जगन्नाथ दर्शन करने जगन्नाथ दर्शन करने जा महोदधी स्नान कले महोदधी स्नान सारि आसी देखते मंदिर बंद जिते बड़े माधव दास से मंदिर भितर देखिले मंदिर बंद अच्छी भितर काठ पाखर बंद अच्छे भितर काठ बाहर ठिया आर्तचित्कार कले हे प्रभु जगन्नाथ ये अधम को दर्शन देवा हूँ अधम माधव दास आपको आसी आपको दर्शन देवा हूँ या शु भर बड़पंडा कहले वर्तमान प्रभु दर्शन हो पार माधव दास आश्चर्य पचारे कहीं दर्शन हो पार ना प्रभु मान को ज्वर तीन दिन को वर्तमान ज्वर से पड़ी महाप्रभु ज्वर से आक्रांत होती भीषण ज्वर देह कंपुच खई फुटी जाऊँच देह से दर्शन दे पारे माधव दास जापारे
मत जो दिन ज्वर छाड़ी महाप्रभु को से दिन ठार ज्वर हो सतरे कौन महाप्रभु मो ज्वर को निजे नहीं आज ज्वर रोगाक्रांत हो जाए ए खबर शुणी माधव दास कितनी भक्त भगवान देखते केते निविड़ संपर्क मच्चित मदगत प्राणम बोधयंतिम परस्पर जंति भक्त को दुख हेले भगवान को बाधे भगवान को दुख हेले भक्त को बाधे दुख लगे जिते बड़े माधव दास शुणीदे मो ज्वर को नहीं प्रभु आज ज्वर रोगाक्रांत हो जाती ज्वरग्रस्त हो जाती ज्वर हो प्रभु को प्रभु उठी पार ना भक्त मान दर्शन दे पार ना मणिमा मणिमा डाक शुभुनि से मूर्छित हो गले प्रभु को ध्याई प्रभु को चिंता करी से मूर्छित हो गले एवं से मूर्छा अवस्था थिला माधव दास शेष मूर्छा आउ निश्वास शेष ज्ञान आउ फेरिलानी चेता आउ फेरिलानी मूर्छित अवस्था को से आ सुप्त हेलेन जाग्रत हेलेनी आउ किछि दिन पर घरे जाय यह धाम त्याग कले शरीर त्याग करथिले बोधहुए यह थिला महाप्रभुंकर इच्छा एवं सेहि दिन ठारु गजापति स्वप्नदास कले महाप्रभु जे आज ठारु ए माधव दास स्मृति रे मते 15 दिन पई मोर गोटे लीला करा जाऊ जार नाम होची अणसर लीला अणसर नीति मु 15 दिन रोगाक्रांत होबी ज्वरग्रस्त होबी ज्वर हब मते ज्वर हब मु घरे रहिबी भक्त मानकर सेवा करबी केवल यह माधव दास स्मृति पई पालन करा जायछि एक किंवदंती महाप्रभुंकर अणसर नीति पछरे अछि भक्तर इच्छा को पूरण करिवा पई यह हूँ भक्तवत्सल भगवान एक सुंदर लीला आई दिन ठारु ये माधव दास स्मृति में भगवान अणसर नीति पालन करा हो अणसर नीति माधव दास कहवा अनुजाई से भगवान तुमको बर दे थे हे भक्त तुम सबकि मत तुम त्याग कर दि तुम सबकि तुम समर्पण कर दि तुम कर्म तुम धर्म तुम कथा तुम जहा कर ता मत संपूर्ण भाव समर्पण कर दि मुमको मोर जहाँ कि तुमको समर्पण करदेवी गतिर्भर्ता प्रभु साखी निवास शरण स्रोत प्रभाव प्रलय स्थान निदान निजम्याम मुझे तुम गति मुझे तुम मुक्ति मुझे तुम सबकि तुम जहा कि अच्छी तुम्हें मत समर्पण कर दि यही दर्शक बंधु अणसर नीति पक्षर कहानी आशा करे आपण मानक ये कहानी निश्चिंत हृदय को छुई थी ए कहानी शुणी सारापर आप निश्चित अणसर नीति उपरे सम्यक ज्ञान आसो जदि मो उपस्थापन कौन सी त्रुटि थाए तथापि आपण मान पाखे मुझे क्षमा प्रार्थना करुच्ची आप क्षमा करदे आपणकर सहृदय आज तो समय हो दर्शक बंधु ए कथा को मुठ विश्राम आपण मान पाखर विदाय उपस्थापक वैद्यनाथ पन्ना जय जगन्नाथ जय माँ विरजा वंदे उत्कल जननी।